जमीन के लालच में अपनों ने कर डाला अपनों का खून। तस्वीर पर नजर डालिए, ये तस्वीर है लखीमपुर खीरी की, मितौली की। अपनों ने किया अपनों का खून, जो तस्वीरें मीडिया के कैमरे में हो गई कैद। हत्या की घटना का सफल अनावरण पुत्र वधू, पौत्र वधू व पड़पौत्र ने ही की थी दंपति की हत्या। पुलिस अधीक्षक खीरी संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित वारंटी संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक थाना मितौली पुलिस द्वारा मामला संख्या 93/2022 धारा 302 भादवी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त मनोरमा पत्नी शैलेन्द्र शुक्ला, सुनीता उर्फ नीतू पत्नी स्वर्गीय कौशल शुक्ला व एक नफर बाल आपचारी को आला कत्ल, 2 अदद गमछे बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। दिनांक 3/4/2022 को थाना मितौली क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी मोहल्ला कस्बा मितौली में श्रीराम शुक्ला व उनकी पत्नी विमलेश्वरी की, उनकी पुत्र वधू मनोरमा व पौत्र वधू सुनीता उर्फ नीतू व पड़पौत्र द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और शवों को तख्त पर बिस्तर लगाकर लिटा दिया गया था और ऊपर से मच्छरदानी लगा दी थी, जिससे आत्महत्या प्रतीत हो। हालांकि पहले तो हत्यारोपियों ने हत्या को आत्महत्या की साजिश रचकर आत्महत्या का रूप देना चाहा, परंतु डॉक्टरी पोस्टमार्टम से सब कुछ सामने आ गया। कल देर शाम थाना मितौली क्षेत्र में एक दंपत्ति की डेड बॉडीज मिली थी। तत्काल पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस ने दोनों बुजुर्ग को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उस बॉडी को हमें अंदेशा था कि वो सुसाइड है, लेकिन अभी 2 दिन पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि उन दोनों लोगों की गला दबा करके हत्या की गई है। पुलिस ने तत्काल उनके परिजनों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उनके बड़ पोते और उनकी बहू, इन दोनों लोगों ने घटना को कबूल किया है। उन दोनों लोगों ने पूरी बात बताई, कैसे उन लोगों ने हत्या की गला दबा करके। साथ ही साथ उन्होंने सब कारण ये भी बताया कि जो दोनों बुजुर्ग थे वो इनके व्यवहार से नाखुश थे और संपत्ति किसी और को बिनामा करना चाहते थे। हमारे इंडिपेंडेंट पूछताछ में गाँव के लोगों ने भी इस बात को तस्दीक किया है कि इन दोनों लोगों की झड़प भी हुई थी अपने बड़ पोते और इनकी बहू से, और वो किसी वकील से मिलने भी गए थे बेनामा करवाने के लिए। इन सभी बातों की पुष्टि होने के बाद हम लोग अभी पूछताछ अपनी जारी रख रहे हैं और जारी रखने के बाद जो भी बातें निकल के आएंगी हम लोग उसे अपनी विवेचना में सम्मिलित करेंगे और आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे।